नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल में आए दिन कोई ना कोई रेल दुर्घटना होती रहती है। इसी बीच दरभंगा नई दिल्ली क्लोन सुपरफास्ट ट्रेन घटने का शिकार हो जाती है। आखिर ट्रेन के लोको पायलट ने हजारों रेल यात्रियों की जान कैसे बचाई और किसकी लापरवाही से ये घटना हुई है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बड़ी रेल दुर्घटना की बात करूं तो ये दुर्घटना पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के छपरा सिवान रेलखंड पर हुआ है। जी हाँ, छपरा सिवान रेलखंड पर स्थित चनवा रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन संख्या 02569 दरभंगा नई दिल्ली क्लोन ट्रेन घटने का शिकार हो जाती है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को क्लोन स्पेशल ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चनवा रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी और इसी बीच रेलवे विद्युतीकरण के SSP क्षेत्र में लगी आग के तेज की लपटें रेलवे ट्रैक के तरफ जा पहुंचती हैं। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन के तरफ आग की लपटें पहुंचने की स्थिति में बड़े हादसे होने की आशंका को भांपते हुए ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जैसे तैसे रोक लेती है। ट्रेन को चनवा स्टेशन के पश्चिमी आउटर सिग्नल पर ही रोक दिया गया। इमरजेंसी ब्रेक लगा देख ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ट्रेन में बैठे यात्री इधर उधर भागने लगते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ गया। मौके पर पहुंचकर रेलवे के ग्रुप डी कर्मियों, स्टेशन मास्टर, रेल कर्मियों, चालक और PWD आदि ने आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया और इसी बीच फायर ब्रिगेड भी आ पहुंची। ट्रेन के लोको पायलट ने बताया कि अगर ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को नहीं रोका होता तो एक बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था, क्योंकि ट्रेन का पावर इंजन आग की लपटे के बीच शायद पार कर जाता और आग की लपट ट्रेन के यात्रियों बोगी में पकड़ लेती, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि दरभंगा नई दिल्ली में आग लगने से बच गई, नहीं तो एक बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था और ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बाकी इस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।